हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों न्यूटन रिंग के ऊपर। दोस्तों न्यूटन रिंग ऑप्टिक्स का एक पार्ट है, ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों पहले मैं न्यूटन रिंग की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। न्यूटन रिंग में बस एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ होता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको पॉइंट, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों का जिसको मैं ओ नाम दे दे रहा हूँ, और ग्लास प्लेट मेरी हो जाती है पी ओ क्यू, और इसको मैं ए ओ बी अपने रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ। दोस्तों उसका सिंपल सा मेथड ये है कि जब भी कोई रे, मान लीजिए एक रे आई, वो इस पे स्ट्राइक करेगी, मैंने इस रे को एस सोर्स से आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है हमारी न्यूटन रिंग पे, मतलब ऐसे ये स्ट्राइक करी, तो ये पहली बार यहाँ पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये पहली बार स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो गई है और थोड़ी सी ये ट्रांसमिट हो जाएगी, ये वापस यहाँ भी आती है और अब ये ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये पैरेलल बीम हमें मिलेगी जो कि हमारी होंगी रिफ्लेक्टेड रेस। अब दोस्तों ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी और ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स बनाएंगी जिनका जो डायमीटर होगा वो सेम होगा। तो दोस्तों ये जो रिंग्स बनी हैं इन्हीं को हमने नाम दिया न्यूटन रिंग, क्योंकि ये सबसे पहले न्यूटन के द्वारा खोजी गई थी। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेस निकली हैं उनके बीच में जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2 μt cos r। ये हमने सीखा था इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा फेज डिफरेंस भी होगा, तो आर प्लस थीटा और प्लस लेमडा बाई टू या फिर माइनस लेमडा बाई टू। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस लेता हूँ तो मेरे आर हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो वेज का एंगल है वो बहुत छोटा है, जिस वजह से कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा के, जो कि 1 होगा। अगर मेरा थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है, एंगल ऑफ वेज बहुत ज़्यादा छोटा है, तो थीटा टेंड करेगा यहाँ पे 0 की तरफ और कॉस 0 डिग्री हमारा 1 होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, दोस्तों हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है एन लेमडा, तो मेरा जो 2 μt + λ/2 है ये 1 हो गया, तो 2 μt + λ इक्वल्स टू एन लेमडा, ये होगी मेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। मैं लेमडा बाई टू को इधर भेज देता हूँ, 2 μt = n λ - λ/2, 2 μt इक्वल्स टू, अगर मैं लेमडा बाई टू को यहाँ से कॉमन लूँ तो 2n - 1, जहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है 1, 2, 3, 4, या फिर मैं यही इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 μt = λ/2 2n+1, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है, हमें पता है 2n + 1 λ/2 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 2 μt + λ/2, अगर मैं लेमडा बाई टू को इधर भेजता हूँ तो 2 μt = n λ, पे एन की वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
दोस्तों ये थी दो कंडीशंस जो कि हमें न्यूटन रिंग से मिली है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डायमीटर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के क्या होंगे। अब दोस्तों हम डायमीटर निकाल रहे हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का, तो यहाँ पे जो मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है मैंने उसको बड़ा सर्कल उसके में बना उस वो जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल को मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसकी रेडियस मैंने आर ले ली है और यहाँ पे जो मेरे को रिंग्स मिल रही हैं उसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस मैंने टी ली है जो कि थिकनेस है और ये फिर 2R - T हो जाएगी, मतलब डायमीटर माइनस टी। दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग को पता है एक बात कि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है जहाँ से मुझे AE इंटू EF मिल जाएगा इक्वल टू ओ ई इंटू ई जी। ये ए पॉइंट ये है ई डी। तो यहां से ये प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करके प्रूव करने वाला हूं। तो यहाँ पे ए ई की वैल्यू है मेरे लिए, जो ए ई की मेरी वैल्यू आई है वो है, पहले ई एफ बता देता हूँ मैं, आर है ए, और यहाँ से ई ई यहाँ पे और ई आर यहाँ पे जो है मेरे रिंग के रेडियस हैं। तो आर इंटू आर यहाँ पे ओ ई मैंने यहाँ पे लिया है थिकनेस इंटू ई जी, ई जी हो गया हमारा 2R - T। यहाँ से मैं दोस्तों सॉल्व करूँ तो मेरा आ जाता है R² = 2RT - T। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टी है वो बहुत बहुत छोटा है मेरे रेडियस से, थिकनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं 2RT - T² को लेता हूँ 2RT, इसको मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे R² हो जाएगा मेरा 2RT के इक्वल, जिससे कि मेरी थिकनेस आ जाएगी R² / 2R। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ब्राइट रिंग के लिए। ब्राइट रिंग के लिए मैंने कंडीशन निकाली थी और वो कंडीशन थी 2μt = 2n - 1λ/2, जहाँ पे n की वैल्यूज थी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। t की मेरे पास वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 2μ into R² / 2R, जो कि हो जाएगा 2n - 1λ/2। यहाँ से R² आ गया 2n - 1λ/2 λ into R / 2μ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। और R² की मुझे वैल्यू मिल गई है जो कि मेरे ब्राइट रिंग के रेडियस है। अब मुझे निकालना है डायमीटर, रेडियस का स्क्वायर है तो डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस इसकी वैल्यू का, तो ट्वाइस इसमें लगाएंगे तो 2 into 2 कट जाएगा, 2n - 1λ/R / 2μ। यहाँ से सॉरी एक में R² dn/2 होता है आर, तो यहाँ से हाँ दोस्तों वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। हाँ तो dn/2 diameter/2 मेरा आर होता है, तो dn/2 का स्क्वायर हो गया फिर 2n - 1λ/R / 2μ, जिस वजह से 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो dn² = 4 into 2n - 1λ/R / 2μ, तो 2n - 1λ/R / μ into 2। तो ये हो गया डायमीटर का स्क्वायर और डायमीटर की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी √2 2n - 1λ/R / μ। ये हो गया दोस्तों हमारा ब्राइट रिंग के लिए डायमीटर। अब बात करते हैं हम डार्क रिंग के लिए क्या डायमीटर होगा।
फॉर डार्क रिंग। डार्क रिंग के लिए हमारी कंडीशन थी 2 म्यू टी इक्वल्स टू एन लैम्बडा। यहाँ पे एन की वैल्यू थी मेरी 0, 1, 2, 3। 2 म्यू टी की जगह आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एन लैम्बडा, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई एन लैम्बडा आर अपॉन न्यू। अगर मैं आर की जगह यहाँ पे डी एन बाई 2 लिखूंगा, होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन लैम्बडा आर अपॉन न्यू, और डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 एन लैम्बडा आर अपॉन न्यू, और डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 एन लैम्बडा आर अपॉन न्यू। तो दोस्तों हमारे पास डायमीटर आ चुका है डार्क रिंग का भी। यहीं से दोस्तों हमारा न्यूटनिंग टॉपिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें जब भी ये पूछा जाता है तो हमें इसके बारे में लिखना होता है और डायमीटर्स निकालने पड़ते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई एडवाइस आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं।